नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो ध्यान से 15 मिनट तक आप हमें समय दीजिए। इस वीडियो के बाद आपको जितना भी डाउट है जीएस में आपको कैसे तैयारी करनी है, चाहे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एसएससी में आप कोई भी पेपर दे रहे हो, क्योंकि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है, हालांकि देखिए पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं है, मेंस और प्री में केवल जीएस को इंक्लूड किया गया, तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं और टीसीएस के अकॉर्डिंग आपको कैसे कंप्लीट करना है जीएस के पोर्शन में। और अभी मैं जो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो चीज़ एनालिसिस मैंने की है, देखिए सबसे पहले जो मैं आपको पूरा टू दी फैक्ट, और ये ऐसा नहीं है कि मैं हवा वाली बातें कर रहा हूँ, कम से कम 5 घंटे का टाइम मैंने दिया है। एसएससी का जो पेपर हुआ अभी आपका 2021 की, ठीक है, 2021 की जो पेपर हुआ आपको पता है टीसीएस ने कंडक्ट कराया था एग्जामिनेशन। मैंने हर शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस किया है। नेक्स्ट आपका अभी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है, प्री और मेंस दोनों, ठीक है, काफ़ी एक्टिव मैं था, आप में से सभी को पता भी है। फिर अभी आपका जो है ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है 90-95 के आसपास शिफ्ट, और लास्ट एक दिन का पेपर बचा हुआ है 11 को जो है। तो ये तीनों, अब मैं इसकी नाम, मैं इस एग्जामिनेशन का नाम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है टीसीएस कंडक्ट कर रहा है, और जो सिमिलैरिटी मैंने को देख मुझे जो देखने को मिला यहाँ पर, तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, और आपको हर टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर बताते चलूँगा, और आप कैसे तैयारी करेंगे इसकी भी मैं हर एक सोर्स के साथ यहाँ पर बातें करूँगा, ठीक है। तो जितने भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई सबसे पहले, और यहाँ पर अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, मात्र और मात्र केवल वहाँ पर 80 स्टूडेंट है, तो आप उसके ग्रुप को आकर के जरूर ज्वाइन करिए, और आप हमारा भी थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि इस तरह का कंटेंट हम आपको और भी आगे प्रोवाइड करते चलें। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो अभी टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, टॉपिक नहीं सब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूँ, जो प्रायोरिटी बेस्ड यहाँ पर फॉलो किया गया टीसीएस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं सबसे पहले एसएससी की बात कर रहा हूँ, तो देखिए पूरा मतलब एसएससी रेलवे दोनों की बात हो रही है। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर प्रायोरिटी रखा गया है स्टैटिक जीके को, ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिक जीके के बाद आपका नंबर आता है करंट अफेयर की। करंट अफेयर के बाद मैं यहाँ पर ये बात को समझना होगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये गलती आपको भी नहीं करनी है। और क्या गलती है कि यहाँ पर देखिए गलती क्या है, करंट अफेयर ये सबसे मेन प्रायोरिटी आपको रखना है, ये दो चीज़ में क्या क्या करना है, कैसे करना, वो भी मैं बताऊंगा टॉपिक वाइज। इसके बाद आपका हिस्ट्री, उसके बाद आपका ज्योग्राफी, और उसके बाद आपका आता है पॉलिटी। देखिए यहाँ पर ही जो आपको समझने वाली चीज़ है ये तीन सेक्शन को ही। देखिए एसएससी में क्या देखा गया कि हिस्ट्री में, मतलब पूरी एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 3 से 2 क्वेश्चन, और पॉलिटी से 3 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर। और यही चीज़ मैंने अभी जो एनटीपीसी में जो देखा है, हिस्ट्री में इससे कम हो गया है, 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं 3 से 5 तक क्वेश्चन, पॉलिटी में भी 4 से 5 क्वेश्चन बढ़े हैं ये एनटीपीसी में। ग्रुप डी में क्या देखा गया, यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 से 1 क्वेश्चन, और फिर ये अभी पूरा लेटेस्ट पैटर्न बता रहा हूँ 2022 की, क्योंकि आपका पेपर भी है दिसंबर में, हालांकि अगर 22 में ना हुआ तो 23 में आपका पेपर होगा ही अगर एसएससी ले ले तो, और फिर आपका रेलवे का भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। फिर यहाँ पर भी जो ग्रुप डी में फोकस वहाँ पर रखा गया 3 से 4 क्वेश्चन की, और बिल्कुल यहाँ पर एज इट इज़ 4 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको समझना होगा कि आप ये जो सेक्शन है, मतलब कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन अगर मिनिमम लेते हैं तो 3 × 2 = 5 × 2 = 7 क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम लेते हैं तो 3 × 3 = 6 = 9 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो 3, 4, 7, 1 = 8 क्वेश्चन, और मैक्सिमम में चलते हैं तो 5 × 2 = 7, 5 = 12 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप चलेंगे तो 4, 3, 7, 7 से 4, 3, 7, 1, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या आपको समझना है, देखिए यहाँ से आपके 8 मतलब ऑलमोस्ट जो स्टैटिक से जो क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी और रेलवे में 6 से 7 क्वेश्चन का वेटेज रखा गया, और बिल्कुल सिमिलैरिटी है यहाँ पर चीज़ों का आपको समझना है। यहाँ पर 4 से 6 क्वेश्चन और 5 तक भी पूछा गया है, तो ये 4, 6, 5 आपको माइंड में लेकर के चलना है। तो देखिए वेटेज को समझना है, अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकता है, कुछ कुछ टॉपिक ही है जो आपको यहाँ पर फोकस करना। अब यही चीज़ आप अगर समझ लिए, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी वे में इस तीनों सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, साथ के साथ इस स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करते हैं और करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं, तो एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। अब देखिए जो एक न्यू ट्रेंड अभी लाया है टीसीएस ने, इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया है, ये हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एसएससी में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखे हैं 2 क्वेश्चन, रेलवे में ये 3 से 5 तक पूछे हैं, ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन, और एनटीपीसी में 4 से 5 क्वेश्चन। और ये क्या है, देखिए अगर इसमें आपका क्या, देखिए इकोनॉमिक्स तो रटना है ही नहीं,
पूरी की पूरी चीज़ें समझने वाली चीज़ है। अगर आप इसे समझ गए तो स्कोर भी कराएंगे। और कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी आपको डराया भी जा रहा है कि यूपीएससी वाले बैठ जाएंगे, चाहे ये बैठ जाएंगे, बीपीएससी जेपीएससी वाले बैठेंगे, तो डरना नहीं है सर, ठीक है। आपको समझना है कि टीसीएस के डिमांड क्या है। प्री का एज इट इज़ लेवल रहेगा और जो मेंस का जो लेवल है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, प्री और मेंस में जो भी है, मेंस ठीक है, इसमें आपके 75 मार्क्स और इसमें 25 मार्क्स, सेम एज इट इज़ लेवल रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सिलेबस भी सेम है। तो चलिए, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया आपको क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, अब एक सेक्शन आपका बच रहा है, साइंस वाला सेक्शन है। देखिए, साइंस में अगर बात करते हैं तीन सेक्शन, और तीन ना कहकर हम इसे चार सेक्शन करेंगे। एक तो इन्वायरमेंट हो गया आपका, एक हो गया बायोलॉजी हो गया, एक हो गया आपका फिजिक्स, और एक हो गया आपका केमिस्ट्री, ठीक है सर। चलिए देखिए, इन्वायरमेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एसएससी और एनटीपीसी की, मतलब क्योंकि देखिए एनटीपीसी से आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि रेलवे में सर आप जा करके बता रहे, नहीं, टीसीएस ने कंडक्ट कराया, जो सिमिलैरिटी मैंने जो देखी है वो उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी कि आपने एसएससी को पेपर अगर आपको देनी है तो भाई यहाँ पर जो वेटेज इनका होता है मात्र 3 से 4 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 तक पूछे हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा अगर 2 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे और एक क्वेश्चन आप कोई बुक में भी वो नहीं पढ़े होंगे, मतलब डिटेल थोड़ा सा जा करके पूछ रहे हैं। यहाँ पे अगर 3 से 4 रहेगा तो 2 से 3 आप बना लोगे, भाई एक क्वेश्चन आपको वो मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस मतलब कि किताब में डिटेल जा करके आपको पढ़ना पड़ता है। खास इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका पूरा सिनेरियो है, तो अब इसे कैसे पढ़ेंगे इस पे भी हम आते हैं कि इनको आप कंप्लीट कैसे करेंगे। तो चलिए नीचे हम आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपको कुछ कुछ टॉपिक की बातें कर रहा हूँ, कुछ मतलब कि पूरी की पूरी टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे तैयार करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी के भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आपको लिखना है, रिवर्स पढ़ना है आपको, ठीक है। रिवर्स के साथ साथ इसके किस रिवर्स के नियर में कौन सी सिटी बसी हुई है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला टॉपिक कंप्लीट, आप नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इस पीडीएफ को भी वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। दूसरा आपको जो टॉपिक पढ़ना है, लेक्स, ठीक है, यानी कि झील, और साथ के साथ आपको जितने भी डैम है, ठीक है, डैम को पढ़ना है। तीसरा आपको जो नदी घाटी परियोजना होती है, ठीक है, कौन सी नदी पर और वो राज्य या फिर वो शहर का नाम आपको पता होना चाहिए, नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तीन टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अब ये नहीं है कि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, किसी से किसी में ये पूछ लिया तो किसी में ये पूछ लिए तो किसी में ये पूछ लिए, लेकिन ज़्यादा वेटेज इन्होंने जो रखा था इस पे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे तीन टॉपिक का मैंने नाम बताया है। अब चलिए चौथे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। चौथा जो टॉपिक होने वाला है आपका, ये आपका ज्योग्राफी में ही आपका आता है एक पार्ट, माउंटेन, ठीक है। माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और माउंटेन के साथ साथ आपको पासेस भी पढ़ना है, पासेस बोले तो दर्रा, ठीक है। माउंटेन पूरा पूरा कंप्लीट माउंटेन आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर के में जो अगर हम बात कर रहे होंगे जो टॉपिक की, आपकी जितने भी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, जितनी भी नेबरिंग कंट्री है उसके बारे आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, तो अब भूटान या फिर आप देखिए या नेपाल, तो इसमें आपको पढ़ना क्या, उस कंट्री के बारे नहीं पढ़ना, उससे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट भारत के संदर्भ में है उनका बाउंड्री लाइन के बारे आपको पढ़ना है, सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़नी है, भारत कितने, भारत के कितने राज्य उनके साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, मैं अभी एक और इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो स्टूडेंट अगर चाहते हैं इन सारी चीज़ को कैसे तैयार करना, तो मैं कल से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ चैंपियन जीके सीरीज, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में स्टैटिक जीके का ही एक पहला टॉपिक कंप्लीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि केवल स्टैटिक जीके फिर हिस्ट्री, नहीं, मैं जितना जो जो इंपॉर्टेंट आपका जो प्रायोरिटी बेस्ड होता मैं कंप्लीट करते चलूंगा। तो ज़रूर आप एक बार क्लास लेकर के देखें, मैं एक क्लास में एक एक टॉपिक निकालते चलूंगा, और जितने भी सवाल अभी तक पूछा है टीसीएस ने, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, क्योंकि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ भाई, तो क्वेश्चन एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा, तो वो यहाँ से आपके आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें, ज्वाइन इन द सेंस कि आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी यहाँ पर क्लासेस। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका डांस, ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डांस में चाहे फॉक डांस हो, चाहे क्लासिकल डांस, आपको पूरा पढ़ना है, स्टेट वाइज आपको सारी डांस के बारे चीज़ें बताओ। लेकिन अब इसको आपको कैसे याद करेंगे, तो भाई यहाँ पर बहुत ट्रिक्स काम आने वाला है,
अब सोचेंगे कि ट्रिक्स, भाई देखिए आपके पास चार ऑप्शन रहता है ना, वहाँ पर आपको छाटना है, तो वो छाटने का तरीका ट्रिक्स आपको करवा देगा। मैं कोई ट्रिक्स नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप वहाँ पे क्वेश्चन को छाटाओगे, ये अपना एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है। फिर आपका एक पॉइंट है, आपका जो टॉपिक है फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल बोले तो वही स्टैटिक जीके वाला बात, और हर स्टेट की, खास करके जो आपका नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है, उसके बाद आपका नॉर्थ में आपका लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड वाला इलाका हो गया, और फिर इधर साउथ में अगर आ जाते हैं तो केरल तमिलनाडु वाला, ठीक है। हालांकि मैं पूरा का पूरा करवाऊंगा, पहला क्लास ही आपका फेस्टिवल पर चलेगा। चलिए सर, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है बुक्स एंड ऑथर। ये बुक्स एंड ऑथर मेनली अभी रेलवे में नहीं पूछा गया था, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया तो SSC में बुक्स एंड ऑथर जो आपके हिस्ट्री पार्ट में आता है, ठीक है, मतलब कि स्टैटिक जितने भी हैं वो आपके क्वेश्चन बने हुए हैं भाई, चाहे वो मॉडर्न के हो, चाहे वो एंशिएंट के, चाहे आपका मेडिवल में है, ठीक है। मेडिवल में हालांकि उतने बुक्स है नहीं, खैर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। नेक्स्ट आपका जो आपका है ईस्टर्न स्टेट जो है ना, आपका पूर्वी राज्य जितने भी है उसके बारे में, तो यहाँ पर आप इसको अलग से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है, तो इसको लिए मैंने इसको अलग अलग सेपरेट कर रखा है, फेस्टिवल को अलग कर दिया है, डांस को अलग कर दिया है वहाँ पे, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपको जो आपको यहाँ के ट्राइब्स आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो चलिए हम चलते हैं आपके 10वें टॉपिक पे, आपको पढ़ना है ट्राइब्स के बारे में। नेक्स्ट 11वां टॉपिक जो है, देखिए ये ट्राइब्स आपको पूरा वर्ल्ड लेवल पे भी आपको पूछा जाता है भाई, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं पूरे वर्ल्ड का, ना 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 जी, मैं उसके लिए भी आपका पूरा का पूरा सब सारा सॉल्यूशन रखा, और इंडिया का ट्राइब्स आपको पढ़ना है, खास करके आपके जितने ईस्टर्न वाले जो स्टेट है ना, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है, वहाँ पर कौन से जो जाति के लोग फेस्टिवल मनाते हैं, नव वर्ष में जो उन लोग जो त्यौहार मनाते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और खास करके देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे ये करते हैं, या अभी जैसे कि अगर आपका दिसंबर में पेपर है ना, तो अभी से लेकर के, मतलब अभी से इन द सेंस के लास्ट 6 मंथ से, आप मान के चलिए जून से ले लें या फिर मई से दिसंबर तक, अगर कोई वो फेस्टिवल हुआ है और उस राज्य की काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो वही आपसे एग्जाम में पूछ रहा है एग्जामिनर टीशियस। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है जितने धर्म से रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, फिर आप इसमें ही आप लेकर के चलेंगे जैसे कि राजा राम मोहन राय वगैरह, जितना भी थियोसॉफिकल सोसाइटी जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो देखिए आप पूरा हिस्ट्री नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री के जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसको आपको कंप्लीट करते चलना है। नेक्स्ट 12वां जो टॉपिक आपका आने वाला है, जितने भी यूनेस्को लिस्ट में शामिल चीज़ें हैं, ठीक है, विथ डेट इन्होंने पूछा है कि आगरा अगर शामिल किया गया है, आगरा के ताजमहल को, तो वो डेट आपको पता होना चाहिए, लाल किला को शामिल किया गया तो वो डेट पता होना चाहिए, पहला यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने वाला वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जाएगा मेरी तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एकदम क्वालिटी कंटेंट, जो पूछा जाता है, जो पूछा जा रहा है वही पढ़ाऊंगा। और ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि पूरी की पूरी क्वेश्चन में मैं फंसा दूंगा, ये बातें गलत होती है अगर GS में कोई क्वेश्चन फंसाने वाली बातें कर रहे हैं तो, क्योंकि ये आपका एक समुद्र है, अब समुद्र में आप कितना स्मार्ट वे में उस पानी को आपको निकालना आता है जो पानी आपके लिए सूटेबल है, ठीक है, तो वही काम मैं करने की कोशिश करने वाला हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपके बाद जो आपके बात आते हैं टेम्पल्स की बात की जाए, ठीक है, टेम्पल्स में चाहे वो द्रविड़ शैली की हो, चाहे नागर शैली हो, वो सब कुछ मैं करवा दूंगा, ठीक है, स्टेट वाइज भी, और जितने इंपॉर्टेंट है वहाँ पर कौन से मंदिर की, मतलब कौन से भगवान की पूजा की जाती है, ये भी चीज़ पूछा जाता है। अब आ जाइए पॉलिटी में, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं करवाने वाला हूँ, और उस आर्टिकल के तहत अभी आपने देखा कि किस प्रकार पंचायती राज से क्वेश्चन बने हैं इस बार NTPC में, तो वो आपको पता होना चाहिए था, वहाँ पर वही आर्टिकल हमेशा पूछा गया है पिछले बार भी, तो NTCS ने कोई नया चीज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो पूरा का पूरा मैं एकदम जैसे क्रिप्स मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आपके जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट वाला सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो अमेंडमेंट वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, मात्र मोस्टली अगर बात कर ले तो 12 से 13 आपको अमेंडमेंट आपको याद करने हैं, और ईजिली आपको मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट अब मैं आता हूँ आपका जो यहाँ पर आपका पॉलिटी सेक्शन में 16वां नंबर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आपका जो आपका होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यहाँ से भी आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 17वां नंबर में अगर हम बात करते हैं तो आपका हिस्ट्री वाले सेक्शन में मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए क्या क्या पढ़ना है, इसको आप समझ लीजिए। मैं इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की और एंशेंट हिस्ट्री की, और मैं बता रहा हूँ कितना टाइम लगेगा, 3+3 और ऑलमोस्ट 8, ठीक है, 3, 3, 6, 8, 6, 14, ये 14 आवर, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आवर है, मैं इसको भी रिड्यूस करवा दूंगा इस बार सीरीज में, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर चाहते हैं, लेकिन इसमें 3 घंटा आपको देना ही पड़ेगा मॉडर्न के लिए,
और ये मेडिवल के लिए 3 घंटा देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने वही चीज़ कराया जो आपके अभी तक TCS ने पूछ रखा है। अब मैं वो वीडियो 2020 की है वो वीडियो, और जा करके देखिए, कुछ मत करिए, आप ना भी देख सकते हो तो केवल कमेंट सेक्शन को पढ़ लीजिएगा। अब मैं ये एंशिएंट की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखिए मॉडर्न में आपको क्या क्या पढ़ना, मैं वहाँ पर बात कर लूँ। सबसे पहले तो आपको गांधी युग को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको INC को बारे पढ़ना पड़ेगा, और जितने इंपॉर्टेंट एक्ट आए हुए थे, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो, चाहे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, ये पूछा जाता है भाई, ये इतिहास है, इतिहास दोहराएगा ही, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही। फिर मध्यकालीन भारत को भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी आपका SSC ने क्वेश्चन पूछा है। रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं भाई, जो बात फैक्ट है। लेकिन मैं 3 घंटे क्यों ना इसको कंप्लीट कर दूं, अगर आप कर सकते हो तो, बाकी आपकी इच्छा। देखिए यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है एंशिएंट में, आपके जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मेनली यही 2 धर्म आपको पढ़ना है यहाँ पर एंशिएंट में। फिर आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको आपको जो खास करके जो मौर्य काल है, ठीक है, मौर्य काल के बारे आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, तो मैं मॉन्यूमेंट्स के लिए एक अलग सेक्शन रखा हूँ, ठीक है। मॉन्यूमेंट वो पूरा मॉन्यूमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मॉन्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ताजमहल, आगरा का लाल किला हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, ये सब कुछ यहाँ पूछता है। तो मैंने पूरा सेपरेट कर रखा है मॉडर्न को, मेडिवल को और एंशिएंट को भी, ठीक है, एक जगह ही। तो यहाँ से भी आपको ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है 19 नंबर में, देखिए ये आपका हिस्ट्री सेक्शन में बस इतना ही पढ़ना है। तो 6 घंटा अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते अभी, तो फिर भाई बात ही अलग है, इतना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेज और थीम पे, ठीक है, डेज और थीम, और लेटेस्ट ऐसा कुछ नहीं आता है। लोग कहते हैं देखिए भाई पूरा साल का डेज का आपको थीम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि अगर पर्यावरण दिवस हुई है तो उसकी क्या थीम थी, ठीक है, एड्स डे था तो उसका थीम क्या था, टीवी दिवस था तो उसका थीम क्या था, ये चीज़ कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 19वां नंबर हो गया कंप्लीट, अब हम चलते हैं 20वां नंबर पे। चलिए 20वां टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, हालांकि ये जो मैंने बताया इंपॉर्टेंस डे और थीम, ये आप इसको करंट अफेयर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप करंट अफेयर में भी रखेंगे। नेक्स्ट आइए, अब करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट ही है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में आप कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए एक तो करंट अफेयर का सेक्शन करना है, और स्पोर्ट्स का स्टैटिक GK भी देखना है। स्टैटिक पार्ट बहुत थोड़ा सा ही देखना है, जैसे कि आपका इसमें आ जाता है स्टेडियम आ जाता है, कौन से प्लेयर में कितने, कौन से गेम में कितने प्लेयर होते हैं ये। और देखिए करंट अफेयर में हर स्पोर्ट्स को आपको देखना है, चाहे मैं यहाँ स्पोर्ट्स का भी नाम एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो IPL हो, चाहे आपका शतरंज का खेल हो, चाहे आपका फुटबॉल हो, हर खेल को आपको देखना पड़ेगा। और ख़ास करके इसी में जो स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड दिया जाता है, जैसे अर्जुना अवार्ड दे दिया गया है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, और पद्मश्री दिया गया है, तो उन सारे खिलाड़ी का भी नाम आपको याद होना चाहिए, जिन जिन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है और उन स्पोर्ट्स पर्सन किससे रिलेटेड है। देखिए ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है GS में, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस में जाकर को तो आपको भाई पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि मेंस में पेपर को टफ कर दिया GK? नहीं भाई, वहाँ पर आपको मैथ्स भी सॉल्व करना याद होना चाहिए, मैथ्स के साथ GK को रखा गया तो इतना टाइम नहीं होगा। और ये आपके गलत मीथ है कि क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, बट ये देखा जाएगा कि आपने कितना सिलेबस को फॉलो किया है। ये हो गया स्पोर्ट्स के बारे में। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे WHO हो, चाहे आपका यूनेस्को हो, चाहे आपके यूनिसेफ हो, चाहे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, GATT हो, कुछ भी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए उसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर, प्रेजेंट में उसके चेयरमैन कौन है और उसके हेडक्वार्टर के कौन है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को आपको याद करना है। नेक्स्ट 22वां नंबर, अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, डरना नहीं है भाई, आपको डर लग रहा होगा लेकिन डरने वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पर, मैं पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने यहाँ पर करवा दी, आपको नाम बता दिया जितनी मुझे याद आई अभी तक, मतलब जितना, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो छोड़ रखा था, नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। और इन्वायरमेंट में आपको एक पॉइंट मैं बता दूँ यहाँ पर, इन्वायरमेंट का पूरा तो सेक्शन मेरा रेडी है नोट्स वगैरह, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका जो रिपोर्ट आया हुआ था, ये रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन बने हैं भाई। फिर ठीक है, आपका सेंसस से क्वेश्चन बना हुआ था पिछले बार भी, इस बार भी बनेगा नो डाउट। तो इतने आपको कम से कम ऑलमोस्ट देखिए 25 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये 25 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल अच्छे स्कोर करके आएंगे, और डेफिनेटली हमारे तरफ से आपको कराया जाएगा ये हर चीज़, और पहला क्लास फेस्टिवल के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो आप में से हर स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइए एक क्लास लेकर के देखिए, पहला क्लास ही फेस्टिवल आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड और क्वेश्चन छपा हुआ था कि नहीं एग्ज़ाम में, वो हर चीज़ को मैंने यहाँ लिया है, और उस स्टेट की जितनी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं वो सब चीज़ को मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, कल से हमारा क्लास यूट्यूब पर आएगा,
और रात के 8 बजे तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो पर डे या फिर एक दिन को गैप करके ही आएगी, एक या दो दिन को गैप करके वीडियो आएगी, क्योंकि वीडियो का कंटेंट मुझे रेडी करने में टाइम लगता है। आपको पता नहीं है कितना, मैंने ये पूरा एनालिसिस करने में कितना टाइम दिया आपको नहीं पता होगा, ठीक है। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मैंने चीज़ें आपको यहाँ बता दी है, पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है जी एस जी के में कैसे चीज़ें कंप्लीट करनी है। अच्छा, अगर आपके मन में चल रहा होगा इकोनॉमिक्स, तो देखिए इकोनॉमिक्स से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ यहाँ बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है आपको बजट देखना है, ठीक है, बजट का फैक्चुअल पार्ट देखना है, ठीक है, और करंट अफेयर भी देखना है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्कीम वगैरह बजट में आती है वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है एग्जाम में। अच्छा, स्कीम से याद आया, जो 25वें टॉपिक में आप इनके इंक्लूड करेंगे स्कीम को भी, ठीक है, जितने राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा किया गया जारी। अच्छा, साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, जो है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आईटी वाले हो, ठीक है, या भारत के जो आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी चीज़ स्कीम लॉन्च किए गए हैं या कोई एमओयू किए हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बने थे इस बार, तो यहाँ से भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे, जो आपका नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, चाहे जीडीपी जीएनपी वगैरह का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन पूछता, तो मैं कोशिश करूँगा इसको भी करवाने की, बिल्कुल समझा करके चीज़ें करवाऊँगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान से भी भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपको, अगर थोड़ा सा अगर चले जाए तो यहाँ पे मनी मार्केट वगैरह आपको थोड़ा सा देख लेना है, मतलब पहले तो सिंपल मार्केट को आपको यहाँ पर समझना होगा, मतलब बैंकिंग सिस्टम को समझना है, थोड़ा सा बैंकिंग का इतिहास आपको जानना चाहिए, कि चाहे RBI हो, चाहे आपका जितने भी बैंक आए हैं, नेशनल बैंक आए, तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या थे, कौन किस अगर सिक्कों को जारी करता है तो कौन किसका सिग्नेचर होता है, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में इतना चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। बजट में आपको फिस्कल डिफिसिट वगैरह का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, इतना ही आपको इकोनॉमिक्स आपका क्वेश्चन बना अभी तक बन रहा है, और ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की है, अगर आपको समझ में आई है, तो एक बार कमेंट सेक्शन हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और करंट अफेयर में आपके माइंड में चल रहा हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, करंट अफेयर का मैं पूरा कंटेंट ही लेकर के रख दूंगा, तो मैं यहाँ पर टॉपिक डिस्कशन भी ज़्यादा नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि कम से कम आपको एक तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जो बताया हूँ, फिर आपको अवार्ड्स पूरा देख करके चलना है, ठीक है। और साइंस एंड टेक में मैंने जो बताया IIT वगैरह जितने भी है, और मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी चीज़ें की जाती है, MEU साइन की जाती है किसी के साथ भी, कोई IIT के साथ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और साथ के साथ मैंने आपको स्कीम के बारे में बता दिया है, और इंडेक्सेस वगैरह ये सब आपको चीज़ें पता है कि आपको पढ़नी है, खैर वो तो मैं करवा ही दूंगा, लेकिन ये 25 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं SSC के, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके जो एग्जामिनर है TCS है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।